सुप्रभात। आज हम कबीर दास जी के साखियों के बारे में पढ़ेंगे। कबीर दास जी जिन्होंने साखियाँ लिखी हैं, सर्वप्रथम हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1998 में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उन्होंने एक ऐसे शिशु को जन्म दिया था और अपने शिशु को समाज से बचाने के लिए उन्होंने उस नन्हे से बालक को लहर तारा नामक तालाब के किनारे उन्होंने छोड़ दिया और उसी मार्ग से एक जुलाहा दंपति गुजर रहे थे। उनके पास कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने जब देखा कि एक नन्हा सा बच्चा नदी के किनारे रो रहा है तो उनका हृदय द्रवीभूत हो उठा और उन्होंने झट से बच्चे को गोद में उठाया और गले से लगा लिया। नन्हे बालक को देखकर उन्होंने जब देखा तो वो उस बालक को लेकर वहाँ से चले गए। कबीर दास जी का जीवन बढ़ता गया। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनके गुरु रामानंद थे, उन्होंने कबीर को सारी दीक्षा दी। साधु संगति में ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वे गृहस्थी थे परंतु अधिक समय उन्होंने उपदेश एवं ज्ञान में ही व्यतीत किया है। आइए हम साखियों की ओर चलें। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा मन रूपी सरोवर भक्ति से भरा हुआ है, उसमें जीवात्मा स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा कर रही है। वह मोक्ष रूपी फल को खाने और कहीं जाना नहीं चाहती है। प्रेमी ढूंढन मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होए। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूं, पर कोई सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। यदि एक सच्चे भक्त को अन्य सच्चा भक्त मिल जाए तो सारे विष अर्थात बुराइयाँ अमृत में बदल जाएंगी, यानी कि अच्छाइयों में बदल जाएंगी। कबीर दास जी ने इस दोहे में दिखावटी ईश्वर भक्ति पर प्रहार किया है, कटाक्ष किया है। भक्ति का ढोंग करने वाले तो अनेक मिलते हैं परंतु सच्चा ईश्वर भक्त मुश्किल से मिलता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार आसन लगाकर बैठ जाओ, दुनिया की परवाह मत करो। अर्थात मनुष्य अगर कोई अच्छे कार्य करता है तो उसके कार्य में लोग बहुत सारी बाधाएं पहुंचाते हैं। जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है, उसी प्रकार लोग भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरी भजी सोई संत सुजान। अर्थात पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर मनुष्य लड़ता रहता है, अर्थात हमेशा एक दूसरे के धर्म को सभी श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन संत वही है जो निष्पक्ष होकर, जो सच्चा हृदय रखता है, जो निष्पक्ष होकर किसी के धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता है। कबीर दास जी कहते हैं यह संसार ईश्वर को पाना चाहता है परंतु सभी के विचार अनेक हैं। काबा फिरी कासी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीर दास जी कहते हैं कि जब राम रहीम का अंतर मिट जाता है तो काबा काशी में कोई भेद नहीं रह जाता। मोटा आटा अर्थात विभिन्न संप्रदाय के लोग जब भेदभाव समाप्त कर देते हैं तो वह मैदा के समान आनंददायक एक से लगने लगते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं उसी आनंद का भोग कर रहा हूँ, अर्थात वो मनुष्य को ये बताते हैं कि कभी भी अपने धर्म में भेद नहीं करना चाहिए। ऊँची कुल का जन्मिया जे करनी ऊँच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि ऊँचे कुल में जन्म लेने के पश्चात यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका ऊँचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। जिस प्रकार सोने का घड़ा यदि मदिरा से अर्थात शराब से भरा हो तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं।
इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद।